हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और बहुत ही डिमांडेबल रहेगी, क्योंकि जो भविष्य में जो प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं वाटर को लेके आएंगी कि भाई वाटर कितना क्लीन है आपके पास में, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं, और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमें 360 एडिंग वैल्यू अक्रॉस द सेक्टर की बात करें तो प्रोवाइडिंग 360 वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन टू इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस, होम एंड कम्युनिटीज़। तो ये जो कंपनी है ना, जिसे हम आयन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी फ्यूचर में बन सकती है, क्योंकि अगर दोस्तों ये कंपनी जो सर्विसेज देती है ना, उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत आने वाली है। गवर्नमेंट भी बहुत फोकस करेगी कि भाई आपको वाटर ट्रीटमेंट करवाना ही है और वाटर को बचाना है और जितना हो सके वहाँ पे देना है। हालांकि अभी तक कंपनी की बात करें तो 40+ पेटेंट करा चुकी है और 1 लाख+ इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं। ट्रेन सर्विसेज इंजीनियर 1500+ हैं और 07 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम काज करती है, जिसमें रॉ वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, डिसालिनेशन है, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट है, प्रोसेस यूटिलिटी वाटर ट्रीटमेंट है, और अगर बात करें म्यूनसिपल इंडस्ट्री वेस्ट एयर ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस, टू सेपरेशन प्योरीफिकेशन, इनमें कंपनी काम काज करती है। तो दोस्तों, कंपनी बहुत ही शानदार है और कंपनी जब से मार्केट में लिस्टेड हुई है काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। 245% का पॉजिटिव रिटर्न है, और अगर दोस्तों ऑल टाइम का देखें, अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 245 रहेगा, और अगर 1 साल का रिटर्न देखें 7.10 है, और 6 महीने का रिटर्न देखिए 20.93% है, 1 मंथ का रिटर्न देखिए नेगेटिव में 3.14, 5 डेज का रिटर्न देखिए 0.28, और 1 दिन का रिटर्न देखिए तो पॉजिटिव में है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, आपको रडार पर रख सकते हो। कंपनी के अगर फाइनेंशियल पैरामीटर देखें तो वो भी काफ़ी सॉलिड हमें नज़र आ रहे हैं। आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, सेक्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इक्विपमेंट, करंट मार्केट प्राइस 340.30, 52 वीक हाई 768.40, 52 वीक लो की बात करें 406.95, मार्केट कैप की बात करें तो 9,391.06 करोड़ है। एंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करें 8,903.32 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर 14.67 करोड़ है। पी कंपनी का 43.18 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.15 है। फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड 0.23% देती है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। बुक वैल्यू 78.55 है। कैश कंपनी के पास में 534.97 करोड़ है। डेट की बात करें 47.23 करोड़ है। प्रमोट होल्डिंग 25.95% है। अर्निंग पर शेयर 14.83 है। सेल्स ग्रोथ 15.20 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.82% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 27.70 है। प्रॉफिट ग्रोथ 10.24% है। तो दोस्तों, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, क्योंकि 47 करोड़ का डेट है। कैश कंपनी के पास में 534.97 करोड़ का। तो कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड पे आउट करती है, पी रेशियो भी ठीक ठाक पे मिल रही है 50 से नीचे, आरओई आरओसी जबरदस्त डबल डिजिट में है 20 से ऊपर, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। और अगर बात करें सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो पब्लिक 55.41 है, प्रमोटर 25.93 है, DI 13.23 है, 23 है, FI 5.44 है। तो FI DI भी अच्छे से इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, और अगर रिजल्ट की बात करें वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जहां नेट सेल्स सितंबर 2023 में 483.89 करोड़ था, वहीं बढ़कर सितंबर 2024 में 588.93 करोड़ हो गया। और अगर बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की तो 425.33 करोड़ से बढ़कर 521.98 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 58.56 से बढ़कर 66.95 हो गया। अदर इनकम की बात करें 10.40 से बढ़कर 12.61 हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 43.78 से बढ़कर 50.74 हो गया। एडजस्टेड EPS 2.98 से बढ़कर 3.46 हो गया। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है, आने वाले टाइम में इसमें डेफिनेटली तेजी देखने को मिल सकती है और काफ़ी अच्छा शेयर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके फ्यूचर में डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। वाटर ट्रीटमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है, और उसका सॉल्यूशन ये कंपनी अगर प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली इसकी फ्यूचर वैल्यू काफ़ी बढ़ सकती है।
हालांकि दोस्तों यहाँ पे बाइंग सेलिंग का कतई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो जब भी आप बाइंग सेलिंग करें खुद की रिसर्च एक बार जरूर कर लेना, खुद से रिसर्च नहीं होती, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट बहुत रिस्की रहता है। तो यहाँ पे जब भी पैसा लगाएं खुद सोच समझ के लगाएं, जो भी लगाएं उसकी जिम्मेदारी दोस्तों आप खुद लें। तो दोस्तों आई होप कि आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।